आज बहुत देर कर दिया तुमने, सुबह से लगी हुई हो, सुबह से कहाँ से, 12 बजे तो मैं 12:30 तो स्कूल से आई हूँ। क्या बना रही हो, खरोड़े बोंगलू? इस तरह जी सारे जो शलजम है जी उनको हम इस तरह इस मैशर से चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम विवर जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी मेरा जुमा है जी, आप सबको हम सब की तरफ से जुमा मुबारक। तो माशाल्लाह जी आज बहुत प्यारी धूप निकली हुई है जी, अल्लाह अल्लाह करके बहुत खुशी हो रही है जी। और देखे जी यहाँ पे खूब कपड़े धोए हैं जी आज बाजी ने, बाजी मीना ने मशीन लगाई थी जी सुबह की, क्योंकि जी धूप निकली हुई थी। हम साया ने भी जी बहुत कपड़े धोए हैं साथ, क्योंकि जी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कपड़े धोए हैं। तो खाना भी बनाने हैं जी, और शाम के वो जो थोड़ी सी रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले मौसम दिखाते हैं, फिर अंदर चलते हैं हस्बे मामूल, फिर पूछ के बताते हैं जी क्या क्या करना है। तो ये आ गए जी हस्बैंड साहब, ये गए हुए थे जी छोटी इरमा को छोड़ने, आ गए हैं, आ जाए फिर ऊपर ही। तो ये देखिए जी मौसम दिखाते हैं जी, सूरज माशाल्लाह देखिए जी बहुत खूबसूरत, ये देखिए जी सूरज और सामने का व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। फिर चलते हैं जी यहाँ से जी, कपड़ा वगैरह लगाया है, अभी सफाइयाँ हो रही है यहाँ पर कुछ। ये देखिए जी बाजी गई हुई थी जी खेतों में, दोनों बाजियाँ, तो ये लेके आई है जी शलजम, ये फ्रेश शलजम, इनको करेंगे वाश आज। आज शलजम पकड़ा, शलजम गोश्त। तो ये देखें जी बाजी यहाँ पे शलजम वाश कर लेती है, फिर जी वो मसाला वगैरह भी उसकी भी कटिंग करनी है। सही, तो फिर भी बस आपके साथ जी बाकी का रूटीन शेयर करते हैं। और इधर भी शलजम पड़े हुए हैं जी, ये देखें ये पहले लाई थी, ये भी डालने हैं ना? अच्छा चले सही ठीक। और ये देखें जी हस्बैंड साहब आ गए हैं। लो जी आ गया हूँ मैं। ये क्या लेकर आए? ये टमाटर, आपने सुबह बोला था ये टमाटर लेके आया हूँ। यह जुम्मा है, जलेबियाँ आई हैं। अच्छा जी जलेबियाँ ठीक। और ये माल्टे हैं, तो ये मूंगफली है ठीक। माल्टे कौन से? किन्नू, किन्नू। चलो किन्नू है, फ्रूट का जितने हमें देने ऊपर रख जाए ना, देख लेना आपने। चलो सही है। उधर जी शलजम भी वाश हो रहे हैं, पहले फिर जलेबियाँ खा ले जी। इधर बाजी ने शलजम वगैरह रख लिए हैं, और ये जलेबियाँ भी आ गई हैं जी सामने, बाजी सबको जी डाल के वो थोड़ी थोड़ी तकसीम करके रख देंगी अपने अपने। और फिर जी हम इधर खाते हैं, हस्बैंड साहब देखे जी दही में जलेबियाँ डाल के खा रहे हैं। ये जी बेगम साहब ने बोला है कि दही जलेबी खा कर, दूध जलेबियाँ तो हम खाते रहते हैं। मैंने कहा जो मीठा डाला है ना उसकी जगह तजर्बा कर रहा हूँ, जलेबी सही है। हाँ जी कैसा लग रहा है टेस्ट, सही बताना है कैसा आया? जबरदस्त आया है ना, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। सही है, चिकन को जी मैंने वॉश कर लिया। तो सबसे पहले जी हम चिकन को करेंगे फ्राई, तो इसे जल्दी जल्दी चूल्हे के पास लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने देखी रख ली है, और अपनी जी आधी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जी चिकन हम तैयार करेंगे, आज ही हम बनाएंगे शलजम और चिकन, और जरा जी डिफरेंट रेसिपी है, तो आप बहुत अच्छी जी रेसिपी आप हमारे साथ रहना है। सबसे पहले जी चूल्हे को ऑन कर लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें घी। तो घी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे जी चिकन। तो चिकन है जी हमारा 1.5 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
इसमें डाल देंगे जी एक चम्मच नमक, ताकि चिकन में भी अच्छी तरह नमक मिक्स हो जाए। पाँच मिनट तक जी मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, तो आप इसमें डालेंगे पानी, जिसमें कि हमारा चिकन है अच्छी तरह पिक हो जाए। ये देखिए जी चिकन हमारा डिप हो गया है। तो भी बस चिकन को हमने इतने फ्राई किया है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, उसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो यहाँ पे डालेंगे जी ये डेढ़ चम्मच है सूखा धनिया साबुत, इसको जी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके उबाल आने का जी इंतजार करते हैं। तो बस लाइट चली गई है जी, और इधर देखिए जी पानी को उबाल आ गया है। तो अब इसमें जी हम डालेंगे साबुत मसाले। ये हैं जी हमारे साबुत मसाले, ये है जी जीरा एक चम्मच, दालचीनी, काली मिर्च, और ये मोटी इलायची, ये है जी लौंग, और ये बादियान का फूल, और ये तेजपात। अब ये देखें जी ये पानी उबल रहा है, तो अब ये जी इसमें डाल देंगे, ताकि जी हमारी यखनी जो है वो अच्छी तरह जी बड़ी टेस्टी टेस्टी बन जाए। तो दोबारा इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, और देखें जी बाजी उधर बैठी हुई है, तो लाइट चली गई है। मैं हंडिया के पास बैठी हूँ, बाजी क्या कर रही है? और मसाले को जी उबाल आते हुए, तो अब मैं जी चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि गोश्त ज्यादा ना गलते और लाइट खाने का इंतजार करते हैं, और फिर जी आपके साथ बाकी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो भी भाई ये देखे थे हम आलू लेकर आए हैं, मैं और बाजी जी लाइट गई हुई थी वाक करने चले गए हैं, जब लाइट जाती है तो हम बाहर चले जाती हैं। तो आलू का जी रेट आ रहा था, तो उसने जी हमें 500 से 10 किलो आलू दिए, तो आलू भी अच्छे हैं। ये देखिए जी हर सब्जी में जी आलू डाले जाते हैं, तो ये देखिए जी हमने इकट्ठे आलू ले लिए। तो ये देखिए जी उस वक्त के जी ये देखिए इधर ही हर चीज हम छोड़ के चले गए हैं, लाइट अभी अभी आई है। ये देखिए जी यखनी ठंडी हो गई है हमारी, तो आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ जी दूसरी देखी और यहाँ पे रखती हूँ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है जी मगरब का, जी टाइम हो चला है, ये देखिए जी मगरब जी होने वाली है, अभी अजान नहीं हुई, सूरज ही गुरूब हो चुका है, ये देखें शाम का व्यू, लाइटें जला दी हैं, चलते हैं जी अंदर ही, रेसिपी जल्दी जल्दी खाना जी बनाते हैं। ये देखिए जी देखी आ गई है कढ़ाई, सॉरी जी हमारे सामने आ चुकी है, बाजी ले रही है, अब जी जो रेसिपी बाकी रह गई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो भी बस ये है जी हमारे शलजम गोंगलू, जो हमारे गाँव में जी पकाए जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले जी हम डालेंगे इसे कढ़ाई में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी बस अब डालेंगे जी इसमें प्याज, प्याज है जी हमारी 2 अदद। तो भी बस ये है जी हमारे टमाटर तकरीबन 5 अदद, और ये है जी हमारे तकरीबन 7 से 8 अदद सब्जी मिर्ची, अब इनको भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जी हमारा लहसुन अदरक पेस्ट, अब इसे डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर है जी, अब इसे डाल देंगे। तो भी नजर डालेंगे जैसे अपने मसाला जात, तो सबसे पहले डालेंगे जी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूख मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, ये है जी सूखा धनिया पिसा हुआ। तो फिर ये थोड़ा सा जी घी डाल देंगे। तो भी नजर डालेंगे जी इसमें यखनी, सारी यखनी जी हमने इसमें डाल ली है, और ये देखें जी हमारा चिकन ये इसी में पड़ा रहेगा अभी फिलहाल, चिकन ये इधर रख देते हैं, और इसके ऊपर भी जी ढक्कन दे देते हैं, और इसके गलने का इंतजार करते हैं। तो मैं 10 मिनट हो चुके हैं जी, हंडिया को बाहर आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं जिसकी कंडीशन क्या है अंदर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी शलजम, देखें जी हमने साबुत डाले हुए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे थे जी इसलिए इसके पीस नहीं किए, अभी देखें जी ये गले में काफी देर है जी, अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट जी और लग जाएंगे। तो भी बस हंडिया जी इधर अभी तैयार हो रही है, तो अंदर चलते हैं, और बाजी जी अंदर चली गई है, बाहर से आई है मेरे साथ वॉक करके, उनको जी चेक करते हैं। बनाने थे जी चावल, मुझे भी याद नहीं रहे और बाजी को भी याद नहीं रहे, ऐ की चावल नहीं बनाने, बनाने प्याज होना,
एक घंटा हो गया, मुझे याद ही कोई नहीं। ये देखिए जी बाजी जो है वो टीवी देख रही है, बाजी इधर बैठ गई है, थक गई है जी, तो ये टीवी लगा हुआ है। चावल रख लेते हैं, ठीक है? चलो सही है, मैं हमने तुसी चलो। चलो सही बाजी, चावल ठीक ने? हाँ, गोंगलू ते चोल आज पकड़े। गोंगलू नाल ते मजा आंदा ना। हाँ जी, शलजम चावल। देखें जी बाजी ने चावल निकाल वॉश करते हैं और फिर इधर रखते हैं जी पानी। तो साफ भी हूँ, बस ध्यान मारने हैं। ये देखिए जी चावलों की तैयारी हो गई है और बाजी ले आई है जी देगचा, वो साथ हंडिया भी मार रही है और साथ साथ जी चावल बनते जा रहे हैं क्योंकि शलजम को काफी टाइम लग जाता है जी गलने में। चलो जी लगा, आग जलाते हैं जी। चले जी काम स्टार्ट करें जी। चले जी सबसे पहले डालेंगे जी घी। चले जी बड़ा है जी, इतना ही काफी है। ये है जी पानी, बाजी पैमाइश करके रखे हुए तो ये लेके चलते हैं जी पास। हेलो, चलें जी। तो बस घी गर्म हो चुका है जी, अब इसमें डालेंगे जीरा, तेजपात और दालचीनी। इसमें डालो, इसमें डालेंगे जी पानी 3 लीटर। हाँ। 3 लीटर पानी है क्योंकि 1.5 किलो जी हमारा चावल है। चलेंगे ये 1.5 किलो हमारे चावल हैं जी और 3 किलो पानी डाल दिया। इसमें डालेंगे जी नमक। चले जी डाल दें जी 1 चम्मच नमक। अच्छा 1.5 चम्मच। चेक करते हैं जी शलजम को ये कितने गल चुके हैं। गल गए हैं जी। चले जी शलजम गल चुके हैं। करने लगी हैं जी बाजी शलजम को बारीक इस तरह जी। सारे जो शलजम है जी उनको हम इस तरह इस मैशर से, ये देखिए जी ये शलजम जो है वो बारीक हो रहे हैं। बारीक हो गया जी सारा कुछ। और ये है जी लेमन। पानी को जी उबाल आ चुका है, इसमें डालेंगे जी लेमन। इसमें जी लेमन डाल देंगे 1 कदर। अब डालेंगे जी इसमें चावल। ये देखिए जी पानी खुश्क हो चुका है तो अब इसको लगाएंगे जी दम। दम पुख्त। चले जी दम लग चुका है जी। तो ये देखिए जी चावलों को दम लगा दी है। अब जो रह गई है जी भैया की कसर वो देखते हैं। ये देखिए जी शलजम जो है वो बारीक कर ली है हमने। तो व्यूअर्स अब इसमें डालेंगे जी चिकन जो हमने सबसे पहले जी फ्राई किया था। और ये देखिए जी हमारे जो शलजम है वो यखनी में बहुत टेस्टी बन चुके हैं। और अब शलजम ये चिकन मैंने डाल दिया है तो अब 5 मिनट तक जी चिकन के साथ इनको पकाएंगे। और बाजी इधर छीन रही है जी धनिया, इनकी कटिंग कर, चलो इसको भी डालते हैं। आज बहुत देर कर दिया तुमने, सुबह से लगी हुई है। सुबह से कहाँ से 12 बजे तक, 12:30 तो स्कूल से आई। क्या बना रही हो?
खरोड़े गोंगलू गोंगलू अच्छा अच्छा गोंगलू ते चौल अच्छा बड़ा बहुत सही हो ठीक हो गया बड़ा माटी वेरी गुड चौल जी इनकी फेवरेट है गोंगलू ते चौल और बहुत मजेदार मंगते नहीं और सब दिन को आज भी जान लाइट जब चली जाती है अभी बस लाइट भी चली जाती है गैस भी कम हो जाती है फिर जी रात को रोज खाना लेट हो जाता है फिर हमने वाक पे भी जाना हाँ जी वाक भी करके आई है नहीं, वो तो जब लाइट जाती है फिर हमने वाक पे जाना मैं भी वाक करके आया हूँ मोटरसाइकिल पे ये जी वाक भी मोटरसाइकिल पे होती है देखे जी कभी भी पैदल नहीं चले जी देख ले अच्छा नहीं ये पैदल नहीं चलते चलो ठीक है आप तो चलती है हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है तो अब इसमें ये है जी गुड़ इसको जी हमने दोरी में बारीक कर ली है तो आप थोड़ा सा जी ये गुड़ डाल देंगे इसे जी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और गाँव में जी हम जरूर जब पालक और शलजम खाते हैं या शलजम को खाते हैं तो इसमें गुड़ जरूर डाल देंगे डालेंगे जी थोड़ा सा सब्ज धनिया इसमें लगा मिर्च एक चम्मच आप इसे भी डाल देंगे और ये है जी गर्म मसाला पिसा हुआ इसे भी डाल देंगे तो ये देखिए जी अब इसे जी थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे ताकि हमारा गुड़ और जो हम मैंने बाद में सारे डाले वो अच्छी तरह भी शादी में मिक्स हो जाए तो दम भी लग चुका है जी अब यहाँ पे लगाएंगे जी हम दस्तरखान और फिर खाना खाएंगे आज तो उसमें साहब जी जल्दी आ गए बिना बुलाए तो खाना जी आपके साथ शेयर करते हैं गर्मा गर्म चावल और साग ये देखिए जी चावल है पक चुके हैं और इधर है जी सालन ये गर्मा गर्म डाल के खाएंगे वरना जी ठंडा हो जाए तो मजा नहीं आता बहुत मेहनत से जी खाना बनाते हैं ताकि गरम गरम खा ठंडा फिर बाद में पेटी को मजा नहीं आता टेस्ट नहीं आता बस सतम हो गया तो गरम गरम खा लो पंजाबी माल है हाँ ये देखिए जी गरम गरम चावल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सामने आए हैं ये देखें जी ये आ चुकी है जी शलजम चिकन की रेसिपी सामने चलें जी डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी लुक देखें जी माशाल्लाह चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये देखें जी माशाल्लाह मज़ेदार बहुत मजेदार जनाब बहुत खुशबू आ रही है बहुत मजेदार बनी है चाख के बताइएगा ठीक है हाँ जी ये देखिए जी सारी प्लेटों में चावल और शलजम जी डाल दिए हैं और माशाल्लाह देखिए जी बहुत अच्छी ये खुशबू आ रही है खाने की और लुक चेक करें जी इसकी माशाल्लाह और ये है जी सलाद मूलियों का और खाना सामने आ चुका है जी टाइम वेस्ट किए बगैर जी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और आपको बताते हैं जी आज का हमारा जो गोंगलू चौल है वो किस तरह के बने हैं देसी खाना बनाया है जी बिस्मिल्लाह रहमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम
रहीम। गरम गरम हो गया, गरम खाना है जी माशाल्लाह। वाह जी कमाल, बहुत मजेदार माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बना है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और मजा ही आ गया तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वाली रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आप भी जी ये रेसिपी इसी तरह घर में बनाए और इंजॉय करें और हमारे साथ भी शेयर करें। तो अगर कोई बहन भाई जी खाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम आ सकता है जी, हमारा खाना हाजिर है। और हमारे जितने भी बहन भाई दोस्त हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं सबके रिज़्क़ में अल्लाह पाक ज़्यादा घुमाए और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहले जी इतना अच्छा खाना खाने पर जी अल्लाह पाक का जरूर शुक्र अदा करेंगे, इतनी महंगाई में जी इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। तो ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।